Hey everyone, welcome back to our channel, Yuvika Fashion Point. तो बाहर मैं लेकर आई हूँ मेरा first cooking video as promised, क्योंकि आप लोगों ने भी मेरी request को accept किया है. ये जब मैं इस video को shoot कर रही हूँ तो मेरे channel पर जो first 200 subscribers हैं वो already complete हो चुके हैं. So thank you so much. इतना प्यार देने के लिए. तो आज जो मीठे की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो कोई ऐसा स्पेशल कोई मिठाई नहीं है. हमारे घर में हर छोटे बड़े खुशी के मौके पर हम जो सबसे ज़्यादा जो मीठा पसंद करते हैं, जी हाँ, चावल वाली खीर की, बहुत ही क्रीमी सी, बिल्कुल रबड़ी वाले टेक्सचर की. तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स जो जो हमें चाहिए. सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है ये दूध. ये फुल फैट मिल्क है, 1 लीटर दूध है ये, जिसकी जो मलाई है वो नहीं निकाली गई है. तो ये हमें चाहिए. और इसमें दूध में ये 1 ग्लास पानी है जो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है ऑलरेडी दूध के अंदर. और साथ के साथ हमें हाँ चाहिए होगा एक ये इमाम दस्ता, जिसको बोलते हैं. हमारे कुछ ड्राई फ्रूट्स को ब्रेक करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी. और उसके अलावा हमें चाहिए ये चावल. ये मैंने अप्रोक्स आधा घंटा पहले जो है वो मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, ठीक है, ताकि जो चावल है वो जल्दी से पक जाए. ये भीगा हुआ चावल है तो ये बहुत जल्दी टूट के खीर में अच्छे से खुल जाएगा, तो एक गाढ़ापन जो है वो खीर को मिलेगा इसमें. अब देख लेते हैं ड्राई फ्रूट. तो सबसे पहले चाहिए होंगी थोड़ी सी चिरौंजी और थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, थोड़े से मखाने, और ये है हमारे पास इलायची का पाउडर. और साथ के साथ थोड़ी सी जो है वो चाहिए केसर. और थोड़ा सा हमें चाहिए होगा घी हमारे जो कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं उनको रोस्ट करने के लिए. साथ में चाहिए होगी हमें एक छोटी कटोरी चीनी. तो जो चीनी की जो क्वांटिटी है वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आपके घर में ज़्यादा मीठा पसंद किया जाता है या कम मीठा पसंद किया जाता है. मेरे घर में सभी लोग जो हैं वो थोड़ा कम मीठा खाना ही पसंद करते हैं, तो मैंने बहुत छोटी कटोरी जो है वो ली है चीनी की. तो चलिए अब सबसे पहले हमें करना है हमारे दूध को बॉईल. तो हम गैस को ऑन कर देते हैं. तो यहाँ पे मैंने गैस को कर दिया है ऑन. तो जब तक हमारे दूध में बॉईल आता है, फर्स्ट बॉईल आता है, तब तक हम फटाफट से हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, स्पेशली हमारे जो ये बादाम और जो काजू हैं, इनको हमें बारीक पर काटना है. तो हम इनको वो फटाफट से काट के रख लेते हैं. यहाँ पर मैंने देखिए जो काजू और जो बादाम थे उनको मैंने जो छोटा छोटा है वो काट के रख लिया है. तो और ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि दूध में भी जो बॉयल है वो आ चुका है. तो जो गैस है वो हम सबसे पहले तो कर देंगे बिल्कुल सिम, ताकि जो दूध है वो उफने ना. उसके बाद इस केसर के हम जो लच्छे होते हैं, जो रेशे होते हैं, तो केसर के हम कुछ जो रेशे हैं वो लेकर के एक कटोरी में डाल देंगे. तो ये दूध हमारा बॉईल हो रहा है तो इसमें से हम 1 या 2 बड़े चम्मच जो दूध है वो उन रेशों के ऊपर डाल देंगे उस कटोरी में. तो इससे क्या है, जो केसर है ना वो अपना जो रंग है वो अच्छे से छोड़ेगा इसके अंदर. देखिए आपको अभी से दिखने लगा होगा कि दूध का जो कलर है ना वो चेंज होना शुरू भी हो चुका है. ये जो चावल है वो हम इसके खीर के अंदर डाल देंगे. तो और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो चावल है वो नीचे लग ना जाए डाल के ही. तो हमारे जो ये चावल थे इनको 5 से 7 मिनट जो है वो हो चुके हैं दूध में बॉयल होते हुए. और मीनवाइल मैंने जो हमारा मखाना था जिसको मैंने रोस्ट किया था घी में, तो मैंने उसको इस तरह से ना हल्का सा क्रश कर लिया है घी में भूनने के बाद में. और जो काजू है हमारे उनको मैंने हल्का सा ना इस तरह से गोल्डन जो है वो रोस्ट कर लिया था घी में डालकर ही, ठीक है, ये ड्राई रोस्ट नहीं है, घी में डाल करके इनको हल्का गोल्डन होने तक मैंने हल्का सा भूना है सिर्फ. तो इनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है खीर में, इसीलिए मैं मखाने और काजू का हल्का सा घी में जो है वो फ्राई करके फिर ही खीर में ऐड करती हूँ. तो अब क्योंकि थोड़ा 5-7 मिनट हो गए हैं हमारी जो खीर है उसको पकते हुए,
तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पे, जो हमारी चिरौंजी थी, किशमिश, बादाम, ये यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। और ये जो मखाने हैं हमारे, इसको भी हम ऐड कर देंगे। जो हमारे काजू हमने रोस्ट करके रखे हुए हैं उनको भी जो है हम ऐड कर देंगे इसमें। और जो घी थोड़ा बहुत रह जाता है उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हमें इसको अच्छे से पकाना है, हमारी जो खीर है उसको चावलों के अच्छे से घुल जाने तक, दूध में अच्छे से मिक्स हो जाने तक हमें इसको पकाना है। तो चलिए अब इसको थोड़ी देर हम पकने देते हैं ऐसे ही। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो खीर है उसे पकते हुए ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट हो गए हैं। थोड़ा टाइम लगता है अगर आप खीर को अच्छे से पकाते हो तो, लेकिन खीर अच्छे से पकी हुई होती है ना तभी उसमें स्वाद भी आता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो चावल हैं वो कैसे हो चुके हैं यहाँ पर। तो इस वक्त हमारी खीर का जो चावल है वो आप देखिए इस तरह का है, मतलब अभी ये पक तो चुका है लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छे से घुल जाए दूध के अंदर है। अभी हमें खीर को और पकाना है कम से कम 5 से 10 मिनट और हम इसे पकाएंगे। अभी 5 मिनट और हो गए हैं इसको पकते हुए हमारी खीर को, और आप देख सकते हो कि जो क्वांटिटी है वो कितनी रिड्यूस हो चुकी है। देखिए यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई है ना। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा केसर वाला जो दूध हमने रखा था अलग से निकाल करके, अब हम उसको हमारी खीर में ऐड करेंगे। तो अब इसको हम और पकाएंगे 5 से 7 मिनट इसको और पकाएंगे हम चीनी ऐड करने से पहले। तो देखिए अब वापस हमें यहाँ पर हो चुके हैं करीब 7 से 10 मिनट इसको खीर को पकाते हुए। तो अभी अगर आप देखेंगे तो जो क्वांटिटी है वो काफ़ी रिड्यूस हो गई है जो हमने पतीला रखा था उसमें, मतलब जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ था हमारी जो खीर थी जब वो बननी शुरू हुई थी, और अभी देखिए वो काफ़ी रिड्यूस हो गई है क्वांटिटी उसकी। और अभी हमें इसमें ऐड करनी है चीनी इस टाइम पर, और चीनी ऐड करने के बाद भी हम इसको करीब 4 से 5 मिनट और अच्छे से पकाएंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छे से घुल जाए, क्योंकि चीनी ऐड करते ही जो खीर है वो एकदम से पतली हो जाती है क्योंकि चीनी पिघलती है। तो वो 4 से 5 मिनट पकाना बहुत ज़रूरी है वापस उसको उसकी कंसिस्टेंसी में लाने के लिए। और हाँ, याद रखिएगा कि जितनी देर भी आपने खीर को पकाया है तो आपका जो फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम पर ही हमें पकाना है, क्योंकि अगर हम जो हाई फ्लेम है उस पर अगर हम खीर को पकाएंगे तो दूध बहुत जल्दी जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन जो चावल है वो फ्लेवर कैच नहीं कर पाएगा दूध का। जब मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे जो चावल है वो दूध के साथ पकता है तो जो चावल है वो दूध के पूरे फ्लेवर को जो है वो अपने अंदर जो है वो समेट लेता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो खीर है वो आप मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं हमारी जो चीनी थी वो। अगर आप लोग सोच रहे होंगे मैंने अभी तक इलायची पाउडर का यूज़ क्यों नहीं किया, तो जो इलायची पाउडर है वो अगर हम बीच में डाल देते हैं खीर पे तो उसका जो फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू होती है ना, क्योंकि इलायची को हम यूज़ ही इसलिए करते हैं ताकि अच्छी सी खुशबू हमारी जो खीर है या जो भी हम रेसिपी बना रहे हैं जिसमें भी हम इलायची पाउडर यूज़ करते हैं, तो अगर वो हम बीच में डाल देते हैं ना तो वो खुशबू जो है वो उड़ जाती है पूरी तरह से। तो इसीलिए कोशिश करिए कि आपको जिस भी रेसिपी में इलायची पाउडर यूज़ करना हो तो आप सबसे बाद में ही इलायची पाउडर को ऐड कर दें, मतलब आप जब अपना फ्लेम ऑफ कर दें उसके बाद आप जो है इलायची पाउडर यूज़ करें। तो अभी हम इसको और 4 से 5 मिनट पकने देते हैं। अभी हमारी जो खीर है वो हो चुकी है पूरी तरह से रेडी। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी जो है हमारी खीर की, जो गैस है उसको ऑफ कर देंगे। और अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा इलायची पाउडर।
1/4 स्पून ऑफ इलायची पाउडर, बहुत अच्छी खुशबू आती है इलायची पाउडर को ऐड करने के बाद। हमने ऐड कर दिया है इलायची पाउडर और अब हम इसको कर लेते हैं सर। ये हमारी क्रीमी सी खीर बनके हो गई है तैयार और इसको हम गार्निश कर देते हैं थोड़े से बादाम के टुकड़ों के साथ में। कैसी लगी आप लोगों को रेसिपी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट कुकिंग वीडियो था और कोशिश की है अपना बेस्ट देने की, फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा और नेक्स्ट कुकिंग वीडियो में आप जो भी रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी सजेस्ट करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।